देखिए हम नहीं आ सकते। हाँ हम जानते हैं कि आपने ये तारीख पहले से ली थी, लेकिन आपको ये नीलामी टालनी होगी। अरे हमारे इकलौते बेटे का निकाह है। हाँ हाँ हमें ये भी पता है कि ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई मामूली प्रॉपर्टी नहीं है। एक दिन नीलामी न होने से करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो जब कल को ये जायदाद मेरी होनी ही है तो मैं क्यों अपना नुकसान सहूं? अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती। ये तो जल्दी का काम होता है ना बिल्लू रानी, वो होता है शैतान का काम। और आज तुम जिस पैसे को ठुकरा रही हो, अल्लाह जाने कहीं ऐसा ना हो कि पैसा कल तुम्हें ठुकरा दे। ऐसा कभी नहीं होगा रजिया भी, लेकिन इस वक्त क्या जरूरी है वो वही कर रहा है। हाँ तो कौन रोक रहा है तुम्हें? मुझे अच्छी तरह से पता है किस वक्त सनम से अपना हिसाब बराबर करना चाहती है। तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि अगर तुम्हें फुर्सत नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। अब आस्तीन का सांप तो हूं नहीं कि कुछ ऐसा वैसा कर दू, और ऐसे भी तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं। ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन हाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें बेगम साहिबा, गलती तो मैं कभी करती ही नहीं, जो करती हूं बहुत सोच समझ कर करती। तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। मैं साड़ी तुम्हें निकाह पर तोहफे में लेना चाहता था, लेकिन अब ये उम्मीद करता हूँ कि शायद इस साड़ी को देखकर तुम्हें आर्मी फंक्शन भी याद आ जाए, जहाँ हमने साथ में कुछ बहुत ही हसीन पल बताए थे। आगे थोड़ी सी पागल होती आया, वो बार बार वही ख्वाब देखना चाहती है जो दिल को प्यारा हो। अगर तुम इस साड़ी को कबूल करोगी और आज रात की पार्टी में इसे पहनकर जाओगी तो मुझे लगेगा कि शायद इतना कुछ होने के बाद भी उम्मीद की थोड़ी सी रोशनी बाकी है। तुम्हारा राज। एक सेकंड के लिए भी तुम्हारी आंख सनम पर से हटनी नहीं चाहिए, और वो भागने की कोशिश करे तो ठीक वैसा ही करना जैसे मैंने तुम्हें कहा है। जी ठीक है। तेरी पान की दुकान ना बंद करनी पड़ेगी। मुझे यहाँ अंधी मकड़ी के जाल में फंसा के खुद कहाँ भाग रही है तू? मैं कहाँ जा रही हूँ? कहीं नहीं जा रही, बस ये गई और ये वापस आई। तेरे ये गई और ये वापस आई में अगर इन लोगों ने मेरे ऊपर के टिकट करा दी फिर? खामखा परेशान हो रही हो तू, क्यों फिक्र कर रही हो? मैंने अपने आदमियों को सब कुछ समझा दिया है, ऐसा वैसा कुछ होगा ही नहीं। और फिर तुम और मैं फोन पर तो बात करते ही रहेंगे। जल्दी आना, बहुत ही सिर फिरे लोग हैं, मुझे मरने का कोई शौक। हाँ हाँ आ जाऊंगी, वैसे भी ये घर मुझे अपने से दूर जाने ही नहीं देता। हाँ हाँ पान की दुकान, वैसे भी मुझे इस घर के लिए तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे नौकरों की जरूरत तो पड़ेगी। जाओ, तब तक मैं उस रोमियो आहिल से प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम करवा लेती हूँ।
भैया तुम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। And I'm so happy कि तुमने मेरा दिया हुआ गिफ्ट कबूल किया और उसे पहनकर पार्टी भी जा रही हो। भैया मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। I mean, awesome. आदाब आदाब, आइए आइए। अम्मी आपने इतना कुछ इतनी जल्दी कैसे मैनेज कर दिया? कैसे नहीं करते, आज हमारे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। और कहते हैं ना कि जो बड़ा दिन होता है हमेशा यादगार रहता है। और तुम भी देखना आहिर बेटा, ये दिन भी तुम्हारे लिए बहुत सारी यादें छोड़कर जाएगा। सीरियसली अम्मी, सच में अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं मैं सब कैसे मैनेज करता। आप जानती मुझ पर सच में अल्लाह का साया है, इसलिए तो आप जैसी अम्मी मिली है और सनम जैसी बीवी। आहिर बेटा, आज की रात तुम कभी नहीं भुला पाओगे, अगर भुलाना चाहोगे भी ना तो भी नहीं, क्योंकि आज तुम्हारी सनम तुम्हारा साथ छोड़कर बहुत दूर चली जाएगी। आज की रात तुम्हारी मोहब्बत की आखिरी रात होगी। भैया तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मैंने यकीन नहीं किया था कि तुम इस ड्रेस में इतनी अच्छी लगोगी। भैया यू नो, ये शाम भले ही तुम्हारी बहन सनम के नाम हो लेकिन देखना वहां की असली सितारा तो तुम बनने वाली हो। देखना वहां सबकी नजरें ना तुम्हारे ऊपर ही रहेंगी। अब मैं तो अपनी नजरें तुम्हारे ऊपर से हटा भी नहीं पा रहा। भैया क्यों ना इस खूबसूरत शाम को और हसीन बनाया जाए। म्यूजिक भैया, ये तुम्हारी फेवरेट ट्यून है ना? एक्चुअली मैंने कई बार तुम्हारे रूम में से बजते हुए सुना। एक मिनट भैया, गाड़ी अचानक रुक गई है, लेट मी चेक। भैया गाड़ी का इंजन गर्म हो गया है और कार में पानी भी नहीं है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, बस मैं पानी लेकर आता हूँ। रुकिए, मैं भी साथ में चलती हूँ आपके। अरे नहीं, तुम कहाँ चलोगी? खामखा परेशान हो जाओगी, पता नहीं पानी कहाँ मिले। तुम बस यहाँ रुको, मैं अभी गया और अभी आया। लेकिन यहाँ, डोंट वरी, जस्ट वेट, मैं बस यूँ गया और यूँ आया, चिंता मत करो।
एकदम रफ्तिक माल है भाई लोग। चल गाड़ी भी चले। ए चिकनी, चलती है क्या? किसका इंतजार कर रही? वो नहीं आने वाला। अगर उसे आना ही होता तो तुम्हें छोड़कर क्यों जाता? वैसे काफी हॉट हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम ऐसे इंसान के चक्कर में पागल हो जिसे तुम्हारी खूबसूरती की कदर ही नहीं। प्लीज, हम खूबसूरत लड़कियों की बहुत कदर करते हैं। Come on, baby. Come on. Come on. Ladies and gentlemen, can I have your attention, please? Thank you. आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतने छोटे से नोटिस पर हमारी इस खुशी में शरीक हुए, उसके लिए इब्राहिम परिवार आपका शुक्रगुजार है। वैसे इस घर ने बहुत सारी पार्टीज देखी है और इस घर के जश्न तो पूरे भोपाल में फेमस है, बट आज जो मुझे खुशी मिल रही है मैं वो बयान नहीं कर सकता। कहते हैं कि खुशी किसी महफिल की जान बनने में नहीं है, बल्कि किसी को अपनी जान बनाने में है, और मुझे भी अपनी जान मिल गई, और इस बार हमेशा हमेशा के लिए। वो कोई और नहीं बल्कि मेरी हमसफर, माय सोलमेट सनम। हमने उसके पूरे दुपट्टे को बारूद से भर दिया है। May our love blossom like this flower. A rose for a rose. तुम ठीक तो? तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, बहुत दर्द तो नहीं हो रहा? एक दर्द से रिश्ता बचाया, वो भी नहीं रहेगा तो जिंदगी खोखली हो जाएगी ना।
सनम, मैं तुमसे कुछ सनम, let me introduce you to my business partner. बेगम साहिबा, सनम बहुत खूबसूरत लग रही है क्योंकि उसने अपना उसका सामान जो ओढ़ कर रखा है मौत का माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी किस्मत वाली हो तुम सनम, जो इतना खूबसूरत कफन मिला है। अब तुम्हारा क्या होगा? आज तो किसी की भी दुआ, कोई भी कोशिश तुम्हें नहीं बचा पाएगी सनम। अंधी अपने मेहमानों के साथ बिजी है, वो भुक्कड़ खाने में डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ही। लेकिन अगर गड़बड़ है तो ये लोग इत्मीनान से पार्टी कैसे एंजॉय कर सकते हैं? सना, हाया कहाँ है? आती होगी, जरा फोन करो, देखो अभी तक हाई नहीं है। ओके, मेरा फोन रूम में है, मैं लिख के आती। नहीं, मेरा फोन यूज कर लो। नो दैट्स ओके, मुझे वैसे भी चाहिए।